एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर गहलोत कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कैबिनेट की बैठक में आज हो सकता है कोई बड़ा फैसला। अब ये बड़ा फैसला क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। क्या फैसला ये होगा कि जो एक बार फिर से तीन सवाल राजभवन की तरफ से उठाए गए हैं, क्या उनका जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, या फिर बड़ा फैसला ये होगा कि ठीक है, अगर राज्यपाल ये चाहते हैं कि 21 दिन के अंदर सत्र को आहूत किया जाए तो हम सीधे सीधे 21 दिन में सत्र आहूत करने की मांग कर देते हैं, या फिर इस बात पर बड़ा फैसला होगा कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए एक लाइन में प्रस्ताव भेजते हैं कि हम सत्र में फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं या फिर वोटिंग कराना चाहते हैं। बहरहाल इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके। नरेश, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या इस बैठक में फैसला इस बात पर होगा कि जो तीन एक बार फिर से बिंदु उठाए गए हैं उनका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाए, या रणनीति कुछ और भी हो सकती है? देखिए, जहां तक अभी फिलहाल जो एजेंडा है विजेंद्र बैठक का, वो यही है कि राज्यपाल ने जो फाइल फिर से लौटाई है, कुछ और चीज़ें बता के, कुछ और जो मुद्दे हैं उनका हवाला देते हुए, कुछ और राय देकर, जिसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप 21 दिन का नोटिस देते हैं तो विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। तो ऐसे में अब उसके बाद, उस पत्र के बाद आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री खुद जाके राज्यपाल से मिल चुके हैं और उसके बाद विधायकों से उन्होंने चर्चा की है, कांग्रेस के नेताओं से चर्चा की, और अब मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हो रही है। पिछले 8 दिन में ये 5वीं कैबिनेट की बैठक है, जिसमें से 4 बैठक विजेंद्र आपको ध्यान होगा सिर्फ इस मुद्दे पे है कि राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा जाए। और अब चूंकि फिर से वही बात है, वही मुद्दा है, वही चिट्ठी है, तो ऐसे में फिर एक बार राज्यपाल के जो पाला है उसमें गेंद फेंकी जाएगी कि फिर से जो कैबिनेट है वो अपने फिर से प्रस्ताव पास करेगी, फिर से नियमों का हवाला देगी और कहेगा कि जो कैबिनेट का जो प्रस्ताव है उसके आधार पर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। हालांकि देखना ये है कि क्या अभी भी 31 जुलाई का जो समय है वही रहेगा, या फिर अब कैबिनेट उसकी तारीख बदल सकती है, कि जिस तरह से राज्यपाल ने कहा था कि अगर सामान्य रूप से विधानसभा का सत्र बुलाना है तो फिर 21 दिन के नोटिस पर बुलाया जा सकता है। तो क्या अब 21 दिन के नोटिस पर विधानसभा बुलाई जाती है, या वही जो 31 जुलाई का जो पहले समय निर्धारित किया गया था उस पर बैठक बुलाई जाती है, इन तमाम इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके जरिए अपने दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट करेंगे कि कैबिनेट की बैठक जब खत्म होगी तो उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।